हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम बनाएंगे रवा डोसा। ये देखिए, रवा को दही में या बटर मिल्क होता है ना, उसमें आप रात भर के लिए 5 से 6 घंटे के लिए भिगा देंगे तो एकदम फूल जाएगी, एकदम नरम रवा हो जाएगा। ये देखिए, इसकी ऐसा ही बैटर होना चाहिए। अगर कम लगता है तो आप थोड़ी सी दही और मिला सकते हैं ऊपर से भी, लेकिन ये ऐसा बैटर ही हमको चाहिए, ज़्यादा पतला नहीं, ज़्यादा गाढ़ा नहीं। इसी तरीके से अभी इसके अंदर हम नमक डालेंगे, नमक स्वाद अनुसार मिला लेंगे नमक को। थोड़ी लाल मिर्च डालेंगे, थोड़ा बेकिंग सोडा। जब आप बनाने जाएं तभी बेकिंग सोडा को ऐड करें। देखिए, अभी हम इसमें कटा हुआ प्याज डालेंगे कटा हुआ गाजर, थोड़ा टमाटो, कटी हुई शिमला मिर्च बारीक बारीक काट लीजिए, थोड़ा जीरा, अभी इन सभी चीज़ों को मिक्स कर लेंगे हम। इन सब्जियों का फ्लेवर बहुत ही अच्छा आता है और हेल्दी भी है। देखिए, मिल गया है। चलिए, तवा गरम करके अब बना लेते हैं। ये देखिए, तवा रख दीजिए गरम होने के लिए। इसी में हम थोड़ा थोड़ा बैटर डालेंगे। बैटर को अच्छे से फैला दीजिए, सूखने तक पकने दीजिए थोड़ा। ये देखिए, अभी इसको हम पलट लेंगे, ऐसे ही कलर आने तक उस तरफ भी सेंक लीजिए। ये देखिए, दोनों तरफ भी सिक गया है, हम परोस लेते हैं। ये देखिए, रवा डोसा कितना अच्छा बना है, बहुत ही जल्दी भी है। चटनी के साथ, टमाटो केचप के साथ, या चटनी तीखी चटनी के साथ, जो आपको पसंद हो उसके साथ भी खा सकते हैं, बहुत ही अच्छा टेस्टी लगेगा। अगर मेरा वीडियो आपको पसंद आया, प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। आप मेरे वीडियो पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना ना भूलें।